गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज आपका है अवकल समीकरण चैप्टर में अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। व्यापक हल क्या होता है? कल हमने अवकल समीकरण पढ़ी थी कि जिस समीकरण में स्वतंत्र पद अचर आश्रित चर तथा आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन सम्मिलित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण पर कहते हैं। कोटी पढ़ी थी कि हम उस समीकरण में देखते हैं अधिकतम कितनी उच्चतम बार क्या हुआ है अवकलन हुआ है उसकी हम कोटि कहते हैं। तो कोटि के आधार पर ही यहाँ पर आपका व्यापक हल और विशिष्ट हल समझाया गया है कि अवकल समीकरण में का वह हल जिसमें उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर होते हैं तो उसे हम अवकल समीकरण का व्यापक हल कहते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा dy अपॉन dx इक्वल टू a cos x प्लस 2, ठीक है। अब इसमें कोटि कितनी है इसकी? एक, और स्वेच्छ अचर भी कितना है आपका? एक है। ये सॉरी स्वेच्छ अचर भी कितना है आपका? एक है, है या नहीं? एक कांस्टेंट। तो इसमें कितनी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर है? तो ये आपका क्या होगा? व्यापक हल होगा, ठीक है। अब इसी में जैसे मैंने कह दिया वाई डबल डैश इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब इसमें देखिए कोटि कितनी है? दो। तो इसमें स्वेच्छ चर भी कितने हो रहे हैं? दो। तो ये होता है अवकल समीकरण का वह हल जिसमें उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर होते हैं, स्वेच्छ अचर होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इसका व्यापक हल कहते हैं। अब इसी व्यापक हल में जो आपके स्वेच्छ चर हैं उनकी जगह पर अगर हम कोई विशिष्ट मान दे दें, यानी जैसे कोई संख्या ए का मान हम 2 रख देते हैं, बी का मान हम 3 रख देते हैं, तो y डबल डैस क्या बनेगा? 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं इसका विशिष्ट हल। ये क्या हो जाता है आपका? विशिष्ट हल मीन्स अवकल समीकरण का वह हल जो स्वेच्छ चरों से मुक्त होता है, अर्थात व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल को अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से व्यापक हल बोल दी हूँ कि अवकल समीकरण का वह हल जिसमें उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर होते हैं अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है, और अवकल समीकरण का वह हल जो स्वेच्छ चरों से मुक्त होता है अर्थात व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल को क्या कहते हैं? हम विशिष्ट हल कहते हैं। जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये आपका समीकरण का क्या है? विशिष्ट हल है, क्योंकि इसमें कोई अचर अभी यहाँ पर ए बी सी के फॉर्म में उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो अब इसी में आप एक्सरसाइज करेंगे 9.2, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है, पहले प्रथम प्रश्न 1-10 में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत समीकरण का हल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपका पहला है y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, और यहाँ इसका अवकल समीकरण का फॉर्म दिया है y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। एक मेथड जो आप सिद्ध करते हुए आ रहे हो, LHS में रखो RHS हल हो जाता है, यानी RHS के इक्वल दिखाते हैं। दूसरी मेथड यहाँ पर क्या है, आप इसको लेके चलिए इस इक्वेशन को, और उससे ही आप पूरी इक्वेशन को सिद्ध कर दीजिए। जैसे मैं दोनों मेथड सिखा रही हूँ, हमारे पास है y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, हम यहाँ x के सापेक्ष की डैश की बात है तो क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो आपके पास पहली बार अवकलन कर रहे हैं y डैश इक्वल टू e की पावर x इक्वेशन फर्स्ट, फिर हम इसका क्योंकि डबल डैश की बात भी है तो x पुनः x के सापेक्ष क्या कर दोगे? अवकलन करोगे। तो y डबल डैश इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा? e की पावर x, राइट। तो अब आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा? वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, यानी जो दिया था अवकल हल उससे हमने अवकल समीकरण ज्ञात करी, ठीक है। सेकंड में देखिए मैं फोर्थ क्वेश्चन बता रही हूँ, y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आपको y डैश इज इक्वल टू क्या सिद्ध करना है? एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे अच्छा इसमें तो फर्स्ट मेथड से ही होगा, चलिए फिर भी आप देख लीजिए। इसमें हमने क्या किया, y इक्वल टू आपके पास क्या है? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट। तो हम यहाँ x के सापेक्ष क्या करेंगे? इसका अवकलन। तो y डैश इक्वल टू रूट का आपने पढ़ा है 1 अपॉन 2 रूट x होता है dy dx ऑफ
वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा इंटू टू एक्स, राइट। लेकिन अब हमें यहाँ पर y भी लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, टू से टू कैंसिल, हर का परिमेयकरण करेंगे तो वन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू थी आपकी, y की, तो क्या बन गया, एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो फर्स्ट मेथड से ही हो गया है। अब मैं आपको सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए बता देती हूँ। जैसे सिक्स क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स, आपको सिद्ध करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम एक्स के, अब हमने क्या लिया, वाई बराबर एक्स साइन एक्स है, हमने यहाँ से एक्स के सापेक्ष इसका क्या कर दिया, अवकलन। वाई डैश इक्वल टू दो फलनों का गुणनफल, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन, राइट। एक्स का वन हो जाएगा। अब हम इसका लेते हैं एल एच एस पार्ट, यानी एल एच एस हमने ले लिया एक्स वाई डैस। तो एक्स वाई डैस की वैल्यू रखिए एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। अब हमको ना साइन में आंसर चाहिए ना कॉस में, तो कैसे करोगे, ये कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अगर आप देखें क्वेश्चन में आपको दिया था y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स। तो आप वैल्यू रखेंगे तो x इंटू एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। तो अब आप इसे ऐसे हम लेके सॉल्व करोगे, फिर x से इधर इंटू करोगे, उसके बाद आपका जो आएगा वो इंटू भी नहीं करना है इसको, ऐसे हम लेके आप सॉल्व करोगे तो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, वो आर एच एस के इक्वल। तो आज आप इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर 10 तक करेंगे। 11th में बता देती हूँ थोड़ा सा, चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में व्यापक हल में, अभी बताया था जितनी कोटि होती हैं उतने ही कोटि में, व्यापक हल में उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं, तो ऊपर से स्वेच्छ अचरों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4। जबकि इसके नीचे लिखा है तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या विशिष्ट हल में कुछ नहीं होती है, उनको कुछ संख्या का दे दिया जाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 0। तो आज आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी मुझसे आप पूछ लेंगे।